नमस्कार दोस्तों, एनके नौकरी करेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको नवोदिया विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय पुणे में आई रिक्वायरमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे पीजीटी और टीजीटी में वैकेंसी आई हो। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजीटी में टोटल 128 वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पे आप टीजीटी में देख सकते हैं टोटल 172 वैकेंसी आई हुई है। और नीचे आप देख सकते हैं एफसीएसए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पोस्ट दिया गया, टोटल यहाँ पे 70 वैकेंसी है थर्ड नंबर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजीटी में हिंदी में 24, इंग्लिश में 9, मैथमेटिक्स में 8, बायोलॉजी में 18, केमिस्ट्री में 18, फिजिक्स में 23, कॉमर्स में 1, इकोनॉमिक्स में 4, ज्योग्राफी में 12, हिस्ट्री में 10 और पीजीटी आईटी में 1 वैकेंसी है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी दिया गया है। अब टीजीटी में आप देख सकते हैं हिंदी में 33, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे टीजीटी में 33, इंग्लिश में 11, मैथमेटिक्स में 36, साइंस में 17, सोशल साइंस में 18, मराठी में 5, गुजराती में 5, आर्ट में 14, म्यूजिक में 7, पीएटी मेल में 16 और पीएटी फीमेल में 6 और लाइब्रेरियन में 4 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कितनी सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं पीजीटी के लिए 27,500 पर मंथ दिया जाएगा और अगर आपका हार्ड स्टेशन डिस्ट्रिक्ट कुछ में अगर होता है सिलेक्शन तो यहाँ पे आप 32,500 दिया जाएगा वहाँ पे अगर सिलेक्शन होता है। और टीजीटी के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिया है, टीजीटी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 26,250 रुपया दिया जाएगा यहाँ पे। और थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 26,250 थर्ड नंबर पे भी दिया जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे लिखा गया। और यहाँ पे एडिशन पे आपको लिखा गया है फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग लोडिंग फैसिलिटी दिया जाएगा, यानी रहने और खाना यहाँ पे फ्री दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको लिखा गया है कि आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको 5/6/2019 यानी 5 जून 2019 से पहले स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के द्वारा भेजना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी क्लस्टर जोन पे भेजना है, यहाँ पे आप क्लस्टर जोन यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह दिया हुआ है। पहला नंबर पे देख सकते हैं जामनगर, द प्रिंसिपल जोहार नवोदय विद्यालय विलेज अलिया बड़ा ताल, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम ऑफ द जेएनयू इन द क्लस्टर दिया गया, अमरेली भावनगर इस टाइप का दिया गया। तो इसमें से आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट में मौजूद है दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन वहाँ जाके अच्छे देख सकते हैं, नहीं देखना है तो यहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सातों में से किसमें भेज सकते हैं दोस्तों, सातों में से यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी में भेज दीजिए। ये देखिए इस तरह से इसका फॉर्म है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से www.nvsro.pune.government.in इस तरह से ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका फॉर्म दिया गया, यहाँ पे आपको इस तरह से भरना है सारे भर के और भेजना है। तो यहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट के लिए दिया गया है और जितना भी कंडीशन है सब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। ऑफिशियल वेबसाइट हम देख सकते हैं 5 जून से पहले भेज देना है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इक्विवेलेंट टू ए लेवल कोर्स ऑफ DOEACC फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर ए लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम DOEACC या फिर BCA मांगा है कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या BTEC या BE इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन साइंस फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज मांगा, ये सारे होने चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे और मतलब जो सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में भी होना जरूरी है दोस्तों, ग्रेजुएशन होना जरूरी है यहाँ पे आपको मांगा गया है। यहाँ पे और आगे आप दिखा देता हूँ क्या क्या नोटिफिकेशन दिया गया है यहाँ पे, यहाँ पे आगे देख सकते हैं ये सेम यहाँ पे रिपीट हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स अच्छे में दिया गया है दोस्तों। तो अगर आप पीजीटी और टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से आप ये फॉर्म भर के भेज दीजिए दोस्तों, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।